हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हमारे साथ है किया के कैरेंस। और जो वेरिएंट आप देख रहे हैं, ये इसका वेरिएंट है प्रेस्टीज प्लस, डीजल वेरिएंट है। बहुत आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ऑफर की जाती है, बट जो सामने वेरिएंट है डीजल वेरिएंट आप देख रहे हैं। फ्रंट से काफ़ी अपीलिंग लुक्स इसको दी गई हैं। बीच में यहाँ पर आपको किया का लोगो देखने को मिलता है और नीचे की तरफ आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी प्रीमियम बना देता है इसे। बात करें इसके DRLs की, तो यहाँ पर आपको वाइट LEDs ऑफर की गई हैं DRL में। और हेडलाइट का सेटअप आपको हेलोजन ही देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको कोई भी फॉग लैंप्स ऑफर नहीं किए गए हैं इस वेरिएंट में। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर दो फ्रंट पार्किंग सेंसर भी ऑफर किए गए हैं। नीचे की तरफ भी आपको ग्रे ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा ग्रिल में, जो कि इसको काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रहा है। तो फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलती है आपको कैरेंस की। चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। काफ़ी ह्यूज व्हीकल लगता है आपको देखने में। साइड में आपको यहाँ पर डायमंड कट अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। टायर साइज़ की अगर बात करें तो 205/65R16 देखने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको ORVM पे ही देखने को मिलेगी, जो कि अगेन LED में ही है। बॉडी कलर भी आपको ORVM ऑफर किए गए हैं। डोर हैंडल्स की बात करें तो वो भी आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिलेंगे। ऑल ओवर द बॉडी आपको यहाँ पर ब्लैक लाइटिंग ऑफर की गई है, जो कि इसकी लुक्स को और भी ज़्यादा इनहेंस कर रही है। विंडोज़ पे आपको फ्रंट से बैक तक क्रोम एलिमेंट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक इसको दे रहा है। काफ़ी अमेजिंग लगती है साइड से भी आपको किया कैरेंस। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स ऑफर की गई हैं, जो कि सेम आपको ग्रे में ही देखने को मिल रही हैं। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना भी ऑफर किया गया है, जो कि इसकी ब्यूटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर रहा है। चलते हैं इसके रेयर की तरफ। रेयर से भी काफ़ी फ्रेश फील होता है आपको इसका डिज़ाइन, बहुत ही बॉल लगती है पीछे से आपको। पीछे की तरफ आपको बीच में किया का लोगो प्लेस दिखेगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहाँ पर आपको कैरेंस की बैजिंग ऑफर की गई है। टेल लाइट्स की बात करें तो वो भी आपको LED में ही ऑफर की गई हैं। इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी और बैक लाइट्स आपको यहाँ ऑफर की गई हैं। बैक कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का स्पेस ऑफर किया गया है। पीछे की तरफ आपको नीचे की तरफ पियानो ब्लैक में स्किफ प्लेट्स ऑफर की गई हैं, जो काफ़ी प्रीमियम लगती हैं देखने में। और जो एक ग्रे एलिमेंट आप देख रहे हैं, इसकी ब्यूटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है रेयर से। पीछे की तरफ भी आपको दो पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं, तो रेयर पार्किंग के टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बात करें तो आपको पीछे की तरफ वाइपर भी ऑफर किया गया है, साथ ही साथ डिफॉगर भी आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहाँ प्लेस मिलेगा। काफ़ी ह्यूज लगती है आपको देखने में किया कैरेंस, एज इट इज़ अ 7-सीटर। तो लेंथ की बात करें तो 4540 mm आपको लेंथ ऑफर की गई है यहाँ पर। काफ़ी लंबा व्हील बेस आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है, जो आपके कैबिन स्पेस को बढ़ा देगा। विड्थ की बात करें तो 1800 mm की आपको विड्थ देखने को मिलती है। और बात करें अगर हाइट की तो 1708 mm आपको हाइट देखने को मिल रही है। काफ़ी ह्यूज लगती है आपको देखने में।
बात करें अगर किया कैरेंस की कीज़ की, तो काफ़ी प्रीमियम कीज़ आपको ऑफ़र की गई हैं जो लॉक अनलॉक और होल्ड के साथ आती है। और नीचे की तरफ आपको बूट ओपनिंग का भी बटन दिया गया है। पीछे की तरफ आपको किया की बैजिंग देखने को मिलती है, तो काफ़ी प्रीमियम लगती हैं कीज़ भी इसकी। इसको जस्ट प्रेस करने से आपका बूट इजीली ओपन हो जाता है। कीज़ के थ्रू आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं, जस्ट आपको इसको होल्ड करके रखना है और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी इस टाइम स्टार्ट हो गई है आपकी। चलते हैं इसके अंदर की तरफ और अंदर देखते हैं क्या कुछ आपको ऑफर करती है किया कैरेंस। ड्राइवर साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया है, इसको जस्ट प्रेस करते ही आपकी गाड़ी अनलॉक और लॉक हो जाती है। यहाँ पर आपको वाइटिश और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है इंटीरियर में। यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल ऑफ़र किए गए हैं और साथ ही साथ ORVMs के कंट्रोल भी आपको यहीं ऑफ़र किए गए हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर और छोटा सा स्पेस भी ऑफ़र किया गया है। काफ़ी प्रीमियम लगता है इसका डोर पैनल। यहाँ पर आपको सिल्वर की फिनिश देखने को मिल रही है। चलते हैं अंदर की तरफ। बात करें अगर इसकी सीट की, तो 8-way एडजस्टेबल मैनुअल आपको सीट की एडजस्टमेंट्स ऑफर की गई है। नीचे की तरफ आपको ब्रेक पैड, रेस लीवर और क्लच लीवर देखने को मिलेगा। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ ऑफर किया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पे प्लेस मिलेगा। साथ ही साथ हेडलाइट लेवलर भी आपको यहीं पर ही ऑफर किया गया है। काफ़ी प्रीमियम लगती है आपको इंटीरियर से भी किया कैरेंस। बात करें अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो काफ़ी प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया गया है जो कि फुली डिजिटल है। राइट साइड में आपको RPM मीटर और लेफ्ट में आपको स्पीडोमीटर की प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको बीच में MID में विंडो ओपन और फ्यूल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। AC वेंट्स की प्लेसमेंट भी काफ़ी यूनिक देखने को मिलती है आपको। सेंटर में भी यहीं पर ये प्लेस्ड है AC वेंट्स, जो काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी किया कैरेंस में। बटन्स का जो टच है काफ़ी प्रीमियम फील होता है। कुछ इस तरीके का आपको प्रीमियम सा स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया गया है। लेफ्ट में आपको मीडिया के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, राइट में आपको क्रूज़ कंट्रोल और MID के कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, तो वो भी आपको 8 इंचज़ का टच स्क्रीन डिस्प्ले ऑफर किया गया है, जो कि आता है आपके एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नेविगेशन भी ऑफ़र किया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बटन्स भी ऑफ़र किए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को यूज़ करने के लिए। यहाँ से आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नॉब भी प्रोवाइड की गई है, इससे भी आप अपना सॉन्ग्स वगैरह को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम का नॉब देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको 1000 लैम्प का स्विच ऑफर किया गया है। यहाँ पर बात करें तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। यहाँ से आप अपने एयर फ्लो को कम ज़्यादा कर पाएंगे और यहाँ से अपने टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको फ्रंट डिफोगर और रेयर डिफोगर के बटन्स ऑफर किए गए हैं, जो अगेन आपको टच में ही मिलते हैं। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन करने का बटन दिया गया है। नीचे की तरफ आपको स्टोरेज देखने को मिलती है, अपने फ़ोन्स को आप यहाँ पर इजीली रख पाएंगे। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ऑफर किया गया है। यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पॉइंट आपको ऑफर किया गया है और इधर USB पोर्ट आपको ऑफर किया गया है।
यहाँ पर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल के बटन्स ऑफर किए गए हैं, आपको 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। पीछे की तरफ भी आपको 2 कप होल्डर ऑफ़र किए गए हैं जो आपको कोल्ड मिलते हैं, यहाँ से आप एयर फ्लो को ऑन कर पाएंगे और आपकी ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पर ठंडी रहेंगी। बात करें आपकी हैंड ब्रेक की तो वो भी आपको मैनुअल ही ऑफ़र की गई है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच के साथ आर्मरेस्ट ऑफ़र किया गया है जो कि आपको बहुत ही अच्छी स्टोरेज भी ऑफ़र करता है, काफ़ी डीप है, अपना सामान आप इसमें इजीली रख पाएंगे। यहाँ पर जो आप सिल्वर ट्रीटमेंट देख रहे हैं काफ़ी प्रीमियम बना देता है इसके इंटीरियर को। और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी, अभी यहाँ पर वाइट आपको पन्नी टाइप देखने को मिल रही है, अभी ये नहीं उतारी है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ ऑफ़र किया गया है। इधर आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिलेंगे और सिल्वर फिनिश में ही आपको डोर हैंडल ऑफ़र किया गया है। ऊपर की तरफ आपको बोथ साइड में ग्रैब हैंडल्स ऑफ़र किए गए हैं। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा को ड्राइवर साइड में, ड्राइवर साइड में कोई भी वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर ऑफ़र किया गया है और यहाँ फ्रंट में आपको कैबिन लैंप भी ऑफ़र किए गए हैं जो आपको हेलोजन में देखने को मिलेंगे। बात करें अगर रेयर व्यू मिरर की तो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ऑफ़र किया गया है। सीट्स की आपको क्वालिटी बहुत प्रीमियम देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी कुशनिंग यहाँ पर आपको ऑफ़र की गई है। सेंट्रल कंसोल काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं इसके रेयर की तरफ, रेयर में देखते हैं आपको क्या कुछ ऑफ़र करती है किया कैरेंस। चलते हैं इसके रेयर में तो काफ़ी वाइड आपका डोर ओपन होता है, यहाँ पर आपको बैठने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल ऑफ़र किए गए हैं और यहाँ पर सिल्वर फिनिश देखने को मिल रही है। डोर हैंडल्स भी आपको सिल्वर में ही ऑफ़र किए गए हैं। नीचे की तरफ 2 बॉटल होल्डर और एक छोटी सी स्टोरेज ऑफ़र की गई है और यहाँ पर आपको मैनुअल सनशेड भी ऑफ़र किए गए हैं जो काफ़ी प्रीमियम फीचर है आज की डेट में। आफ्टर मार्केट आपको ये इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, लोग बाहर से इंसर्ट कराते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार आप बोल सकते हैं, इनकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम आपको ऑफ़र की गई है। चलते हैं इसके अंदर की तरफ, बहुत ही अच्छा स्पेस आपको ऑफ़र करती है किया कैरेंस सेकंड रो में भी। बात करें अंदर थाई स्पोर्ट की तो काफ़ी अच्छा अंदर थाई स्पोर्ट आपको ऑफ़र किया गया है। लेग रूम और नी रूम भी आपको एनफ मिलता है इसमें, आप अपना आराम से पीछे की तरफ बैठ पाएंगे। इस साइड में आपको पावर विंडोज़ और डोर हैंडल ऑफ़र किया गया है। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल्स ऑफ़र किए गए हैं बोथ साइड में। यहाँ पर आपको स्टोरेज ऑफ़र की गई है, अपने फ़ोन को आप यहाँ रख पाएंगे। और पीछे की तरफ आपको सी टाइप 2 पॉइंट्स ऑफ़र किए गए हैं आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए। रेयर एसी वेंट्स को आपको यहाँ से कंट्रोल करने की नोब दी गई है और रेयर एसी वेंट्स की जो प्लेसमेंट है वो आपको रूफ में देखने को मिलेगी। 2 वेंट्स आपको यहाँ ऑफ़र किए गए हैं, बीच में आपको हेलोजन में ही कैबिन लैंप ऑफ़र किया गया है। काफ़ी प्रीमियम आपको फिट एंड फिनिश यहाँ पर ऑफ़र की गई है। कोई भी हम्प यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, छोटा सा है तो इजीली आप पीछे की तरफ 3 अडल्ट बैठ पाएंगे। 60-40 स्प्लिट के साथ आती है इसकी रेयर सीट। बात करें अगर इसके हेडरेस्ट की तो आपको ऑल 4 यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं, इजीली आप इनको एडजस्ट कर पाएंगे। और कुछ इस तरीके का आपको सेंट्रल कंसोल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं इसकी थर्ड रो में, देखते हैं वहाँ बैठना इजी है या किस टाइप का आपको स्पेस ऑफर किया गया है। एक बार आपको यहाँ पर थर्ड रो भी यूज़ करके दिखा देते हैं किस टाइप से आपको पीछे की तरफ जा सकते हैं।
वन टच के साथ इसकी सीट्स टम्बल डाउन हो जाती हैं, आपको जस्ट यहाँ से प्रेस करना है। काफ़ी प्रीमियम फंक्शन ही आपको ऑफर किया गया है किया कैरेंस में। पर ये भैया आपको बैठ के दिखा रहे हैं पीछे की तरफ थर्ड रो में कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको पीछे जाने में? एक बार इसको पीछे की तरफ आप कर लो, एक बार बैठ के देखो आपको क्या कंफर्ट मिल रहा है पीछे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्पेस के रिगार्डिंग? पैर तो नहीं हट रहे आपके? नहीं हट रहे सर, बहुत। अभी भी आप देख सकते हैं एनो लेगरूम यहाँ पर बचा हुआ है। अंदर थाई स्पोर्ट भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है थर्ड रो में। तो काफ़ी प्रैक्टिकल बनाई गई है थर्ड रो भी किया कैरेंस की। ये फिर से वन टच आपकी टंबल डाउन हो गई है और आप पीछे से आराम से निकल पाएंगे। पीछे की तरफ भी आपको क्वार्टर ग्लास ऑफर किया गया है, तो आपको घुटन महसूस नहीं होगी पीछे भी। और पीछे की तरफ भी आपको एसी वेंट्स ऑफर किए गए हैं थर्ड रो के लिए भी, और यहाँ पर कैबिन लैंप भी ऑफर किया गया है अगेन हेलोजन में। और यहाँ पर आपको बोथ साइड में कप होल्डर भी ऑफर किए गए हैं, सी टाइप चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ ऑफर किया गया है। बोथ साइड में आपको देखने को मिलता है सी टाइप चार्जिंग पॉइंट, और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर सीट बेल्ट्स के पॉइंट भी ऑफर किए गए हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिकल आपको थर्ड रो देखने को मिलेगी किया कैरेंस की। यहाँ पर आपको फ्यूल फिलर कैप देखने को मिल रही है, और फ्यूल टैंक की बात करें तो 45 लीटर का फ्यूल टैंक आपको ऑफर किया गया है। चलते हैं इसके बोर्ड स्पेस की तरफ। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है बूट ओपन करने के लिए। थर्ड रो अप करने के बाद भी आपको 297 लीटर का बूट ऑफर करती है किया कैरेंस। और यहाँ पर फ्लैट बोर्ड आपको ऑफर किया गया है, तो अपने सामान को आप इजीली रख पाएंगे, कोई भी हम्प यहाँ पर नहीं है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल बनाई गई है किया कैरेंस। बात करें अगर स्पेयर व्हील की, तो वो आपको नीचे की तरफ प्लेस मिलेगा। तो ओवरऑल आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 7 सीटर आपको देखने को मिलेगी किया कैरेंस। काफ़ी प्रीमियम और अच्छे फंक्शंस आपको इसमें दिए गए हैं अपने रिवल्स के कंपैरेटिवली, काफ़ी प्रीमियम आपको लगेगी। लुक्स में भी और फीचर्स में भी बहुत अच्छे से कम्पीट करती है अपने रिवल्स को। रिवल्स की बात करें तो इसकी XL6 और अर्टिगा जैसी गाड़ियों को कम्पीट करती है। इवन आपकी इनोवा को भी कम्पीट करने में कैपेबल है किया कैरेंस। तो यही था आपकी किया कैरेंस का एक डिटेल रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।